देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। अगर कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है, हम हिंसा के या इस तरह के घटनाओं के समर्थक नहीं हैं, लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह से आज जांच एजेंसियों का काम रह गया है, ईडी का काम रह गया है कि जा करके सभी विपक्षी नेताओं को परेशान करना बेवजह का, तो ये बेचारे क्या करेंगे? इन अधिकारियों का दोष नहीं है, जांच एजेंसी का दोष नहीं है, दोष तो है केंद्र में बैठी हुकूमत सरकार की, जो दबाव बनाती है, इन पर दबाव रहता है। और ये नतीजा हो रहा है कि अब लोगों का आक्रोश की प्रकाष्ठा, धैर्य की परीक्षा कितना लेंगे, धैर्य का बांध टूट रहा है। तो अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, जो अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ कर रही है। ईडी की टीम पर अटैक को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में किंग जोंग उन की सरकार है, पूरी तानाशाही है बंगाल में। जो तानाशाही है केंद्र में बैठी दिल्ली की हुकूमत के अंदर, जो मनमानी है, हिटलर शाही है, तो ये तो दिख रहा है। बंगाल में जनता के द्वारा जो आक्रोश प्रकट किया गया है, ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर सोचना चाहिए। और केंद्र की सरकार के रवैये के कारण आज ऐसे जांच एजेंसियों का ये हाल हो गया है कि अब पब्लिक रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा था कि कोई भूखा है या कोई बीमार है तो वो मंदिर छोड़े ही जाता। अब इस पर हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज ने कहा है कि ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, हम लोग तो राम का स्वागत कर रहे हैं। ये सब बकवास की बातें हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो अब भला बताइए, अगर किसी को बीमार कोई बीमार होता है तो वो तो अस्पताल ही ना जाएगा। हम मंदिर पूजा करने भी जाते हैं, लेकिन हमें रोजगार भी चाहिए। भगवान के दरबार पर नौजवान जाता है तो वो रोजगार मांगता है, कोई मांगता है खुशहाली मांगता है, उन्माद फसाद तो कोई नहीं मांगता है। और कोई भी मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर लड़ाई नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर बीजेपी जो इवेंट कर रही है ये गलत है। मंदिर तो सबके, पूरे देशवासियों के हैं, जन जन में, कन कन में, रोम रोम में राम है। राम का विरोध नहीं है, विरोध है बीजेपी का, बीजेपी के नीतियों का, जो भगवान राम को भी सियासत में घसीट रही है। जेडीयू के सांसद है कौशलेंद्र, उन्होंने कहा है कि बेटे की शादी हो रही है कि कोई निमंत्रण आएगा, हम लोग पहले भी जाते थे राम मंदिर, आगे भी जाएंगे। नहीं, ये उनकी भावना है, उन्होंने क्या कहा है हमने सुना नहीं है, और किस संदर्भ में कहा है इसका जवाब वो देंगे।